नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, अभी अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से 4 नोटिस जारी किए गए हैं। अब वो 4 नोटिस किस संबंध में है, एक एक नोटिस को मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो बहुत खास होने वाली है और आपके काफी सारे क्वेश्चन मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछे जा रहे हैं, उनके भी आंसर मैं आपको करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, नोटिस के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके बारे में। तो साथियों, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारा 4th सेमेस्टर है, हम बीबीए का हमारा 4th सेमेस्टर है, हमारा बीसीए का 4th सेमेस्टर है, हम जो है बी फार्मा कर रहे हैं तो बी फार्मा हमारा 2nd सेमेस्टर है या 4th सेमेस्टर है या 6th सेमेस्टर है, तो क्या हम प्रमोट होंगे या हमारे एग्जाम होंगे। तो साथियों, अब बिल्कुल क्लियर हो गया है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, यानी कि जो सेमेस्टर मोड के कोर्सेज हैं, तो सेमेस्टर मोड के कोर्सेज में आपका क्या है, फाइनल सेमेस्टर को छोड़ के बाकी सेमेस्टर को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। यानी कि बाकी सेमेस्टर, चाहे वो आपका 2nd सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर है या 6th सेमेस्टर है, आपका जो आपका 4 ईयर का कोर्स है, तो उन सब में आपको प्रमोट किया जाएगा। इसके बाद में बीएड वाले बच्चे कंफ्यूज हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। बिल्कुल क्लियर है, जो बीएड फर्स्ट ईयर है, बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं होने हैं, जो बीएड फर्स्ट ईयर है उसको प्रमोट किया जाएगा। यानी कि जो एग्जाम होंगे सिर्फ और सिर्फ किसके होंगे, फाइनल ईयर के बीएड के एग्जाम होने हैं। आगे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं रिजल्ट के बारे में, तो मैं आपको बता चुका हूं, जो आपका रिजल्ट है वो नेक्स्ट वीक तक जारी कर दिया जाएगा, चाहे वो आपका फिर कोई भी कोर्स है, चाहे वो आपका बीबीए है या बीसीए है, यानी कि जिन कोर्सेज के आपके एग्जाम हो चुके हैं, यानी कि जैसे आपका बीबीए 5th सेमेस्टर के या 3rd सेमेस्टर के या 1st सेमेस्टर के जिनको एग्जाम हुए हैं, या आपका इसी तरीके से बीसीए है, बीए एलएलबी है, या एलएलबी आपका 3rd सेमेस्टर और आपका 5th सेमेस्टर है, तो उनका जो रिजल्ट है नेक्स्ट वीक तक जारी कर दिया जाएगा। ऑलमोस्ट सब सारी चीजें कॉपी जो है वो चेक हो चुकी है, अब आपके जो मार्क्स अपलोड होने की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर जितनी भी एजुकेशनल अपडेट होती है वो सब मैं अपडेट वहां पर देता रहता हूं। और साथ के साथ जैसे जो भी नोटिस जारी हो रहा है एजुकेशन से रिलेटेड, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, वो सब सारी चीजें मैं वहां पर पोस्ट करता रहता हूं, तो वो सब सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी यदि आप फेसबुक पेज को फॉलो कर लेंगे। फेसबुक पेज का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप सर्च भी कर सकते हैं अमित चौहान के नाम से, तो आपको पेज मिल जाएगा, तो फेसबुक पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ के साथ यदि आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो प्रोग्रामिंग के लिए लर्निंग विद अर्निंग, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है C++.NET जावा, और यदि आपको कंपटीशन के लिए पढ़ना है तो आप आ सकते हैं टारगेट विद गुरुजी पर, तो वहां पर क्लासेस चल रही है, मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही है, तो आप आ सकते हैं टारगेट विद गुरुजी पर। तो इन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब और जो पेज को फॉलो कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, कुछ बच्चे मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि सर सीसीएस यूनिवर्सिटी कब ऑफिशियल नोटिस जारी करेगी प्रमोट के लिए। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, सीसीएच यूनिवर्सिटी जो ऑफिशियल नोटिस जारी करे या ना करे, जो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसने जारी कर दिया है। यानी कि फर्स्ट ईयर को प्रमोट किया जाना है, फाइनल ईयर के एग्जाम होने हैं और सेकंड ईयर हमारा कंडीशनली है, तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका सेकेंड ईयर के एग्जाम होंगे वो उन बच्चों के होंगे जिनके एनुअल कोर्सेज हैं और जिनको पिछली बार प्रमोट किया गया था उनके मार्क्स नहीं आए थे। यानी कि आप सेमेस्टर मोड वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो, यानी कि जैसे बीसीए है आपका सेकंड ईयर है उसका 4th सेमेस्टर है, तो आपको प्रमोट किया जाएगा, आपके जो मार्क्स आएंगे वो 3rd सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आएंगे, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए जो यूनिवर्सिटी है वो भी नोटिस बहुत जल्द जारी कर देगी। साथियों, आगे बात करते हैं, जो एलएलबी वाले बच्चे हैं 3rd ईयर LLB, उनका सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि उनके अभी 1st सेमेस्टर के भी एग्जाम नहीं हुए थे, तो उनके 1st सेमेस्टर के एग्जाम होंगे या 2nd सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। तो अभी इस पर आज भी मेरी बात हुई थी, तो अभी ऐसा कोई क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जो उन्होंने मुझे संकेत दिए हैं, तो आपके 1st सेमेस्टर के ही एग्जाम कराए जाएंगे, 2nd सेमेस्टर आपको प्रमोट किया जाएगा, तो 99% आपके चांसेस यही है कि 1st सेमेस्टर के आपके एग्जाम होंगे और फाइनल सेमेस्टर को आपको प्रमोट किया जाएगा, जो आपके 3rd LLB है।
तो साथियों अब बात करते हैं जो सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं, काफी इंपोर्टेंट नोटिस हैं। तो सबसे पहला जो नोटिस है वो है आपका पीएचडी को लेकर, यानी कि यदि आप भी सीसीएस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो फॉर्म है वो आ चुके हैं। अब उसके बारे में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन पीएचडी कर सकता है, सीसीएस यूनिवर्सिटी में कौन कौन फॉर्म डाल सकते हैं, तो उन सबके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा पीएचडी के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि आपने यदि पीजी किया हुआ है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी कंडीशन है कि कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। तो उसके लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही दूसरे नोटिस की बात करें तो दूसरा जो नोटिस है वो है आपका जो प्रैक्टिकल होने हैं उसके संबंध में। प्रैक्टिकल होने हैं तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सब सारी चीजों के लिए, टीडीएस ये सब सारी चीजों के बारे में, यानी कि जो आपके प्रैक्टिकल है वाइवा है उसके संबंध में जारी किया गया है। तो इस पर भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एक सेपरेट वीडियो में। और जो आपका तीसरा नोटिस जारी किया गया है वो तीसरा नोटिस है आपका जो नई शिक्षा नीति लागू होनी है उसके संबंध में, यानी कि जो नई शिक्षा नीति लागू होनी है तो उसमें जो यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं उनको अलग अलग जो जिम्मेदारी दी गई है तो वो उसके लिए जारी किया गया है नई शिक्षा नीति को लेकर। और जो आपका फोर्थ है वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपकी, यानी कि जो गर्मियों की छुट्टी है वो कैंसिल कर दी गई थी, लेकिन अब उनको फिर से जो आपकी गर्मियों की छुट्टी है उनको फिर से लागू कर दिया गया है, यानी कि 10 तारीख से लेकर, यानी कि 10 जून से लेकर आपकी जो छुट्टियां हैं और वो 30 जून तक रहने वाली हैं। इस बीच में आपका जितने भी कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं और आपके जो यूनिवर्सिटी है उसके बीच में आपके जो पढ़ाई नहीं चलेगी, यानी कि जो आपकी एजुकेशन की पढ़ाई है वो आपकी नहीं चलेगी, क्लासेस आपकी नहीं चलेंगी, लेकिन उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो आपकी निरंतर कंटिन्यू रहेंगी, यानी कि जो आपका ऑफिशियल वर्क है वो निरंतर चलता रहेगा, जो आपकी सिर्फ और सिर्फ क्लासेस नहीं होनी है। तो उसके संबंध में एक जो फोर्थ नोटिस जारी किया गया है, यदि उन नोटिस की आपको कॉपी चाहिए होगी या आपको देखने हैं नोटिस, तो वो मैंने आपको जैसा कि बताया है वो सब सारी चीजें आपको मेरे फेसबुक पेज पर मिलती रहती हैं। वो सब मैं आपको फेसबुक पेज पर पोस्ट करता रहता हूं, जैसे ही कोई नोटिस जारी होता है, कोई भी अपडेट आती है, तो सबसे पहले मैं उसको फेसबुक पेज पर ही अपडेट करता हूं। तो फेसबुक पेज को आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर बहुत सारी चीजें आपको निरंतर मिलती रहेंगी। अब बच्चे आगे हमसे पूछ रहे हैं कि सर जो हमारे एग्जाम होने हैं वो एग्जाम कब से होंगे, तो मैं आपसे निरंतर बताता रहूं कि जो आपके जून में कोई एग्जाम नहीं होना है तो आपके जो अब एग्जाम होने हैं वो जुलाई में ही एग्जाम होने हैं, लेकिन हाँ ये कंफर्म है आपके जुलाई में ही एग्जाम होने हैं, फाइनल ईयर के जुलाई से आगे नहीं जाएंगे और जुलाई में भी आपके 5 से 10 तारीख तक आपके एग्जाम स्टार्ट करा दिए जाएंगे, यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आपके एग्जाम स्टार्ट करा दिए जाएंगे, क्योंकि आपका जो है अगस्त के लास्ट तक रिजल्ट भी डिक्लेयर करना है। तो यानी कि फाइनल ईयर के और जो सेकंड ईयर के जिस वीक के एग्जाम होने हैं वो आपका, चाहे वो कोई भी कोर्स है, तो उन सब के जो आपके एग्जाम है वो जुलाई में कराए जाएंगे, जून में कोई एग्जाम आपका नहीं होगा, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, और जुलाई में आपके एग्जाम होने हैं, जुलाई और अगस्त में, और अगस्त के लास्ट तक आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाना है। इससे आगे जो बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं बीएड को लेकर, यानी कि जो 2 ईयर बीएड है, 2 ईयर बीएड के एग्जाम कब होंगे, तो उनके भी एग्जाम आपके जुलाई और अगस्त में ही कराए जाएंगे, यानी कि जुलाई और अगस्त में ही बीएड 2 ईयर के, यानी कि जो फाइनल ईयर है, उनके एग्जाम कराए जाएंगे। और बीएड फर्स्ट ईयर वाले अपने एग्जाम को लेकर परेशान है कि उनके एग्जाम फॉर्म कब भराए जाएंगे, तो उनके जो एग्जाम फॉर्म है वो भी बहुत जल्द ओपन कर दिए जाएंगे, उनके भी एग्जाम फॉर्म हो सकता है आपके नेक्स्ट वीक में या इसी वीक में आपके ओपन कर दिए जाएं, तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा तो उसके लिए भी वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। अब बच्चे एक और चीज मेरे से निरंतर पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, अपना बैक और एक्स को लेकर, तो साथियों अभी बैक और एक्स के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है, उसके लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा 2 से 3 दिन का, जैसे ही कोई कंफर्मेशन होगी तो उसके लिए भी मैं अपडेट दूंगा आपको इसी चैनल पर। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपकी क्लियर कर दी है, यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।